ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो कोशिश होंदी है लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और अहम जानकारियां जिहड़ियां तुहाडे भविख नाल जुड़ियां होईयां ने, खास करके स्टडी वीज़ा नाल जुड़ियां होईयां ने, उन्हां नूं तुहाडे तक समय सिर पहुँचाया जाए। इस मकसद नाल असीं चैनल नूं रन भी करते हैं। सो मेरी एडवाइस सलाह यह भी रहेगी कि तुसी चैनल में सबसक्राइब करके रखो ताकि हर लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन तुहाडे तक समय सिर पहुँचती रहे। इस तों इलावा ब्रॉडवे इमीग्रेशन तुहानू 100% ऑनलाइन सर्विसिज दे रहा है। सो सिंपली तुसी साडे नीचे लिखी हुई वैबसाइट पर जाके अपने आप नू रजिस्टर कर सकते हो, बुक योर वीडियो कॉन्फ्रेंस का फॉर्म भर सकते हो और साडी टीम तुहाडे नाल वीडियो कॉल पर घर बैठे कंप्लीट काउंसलिंग रिगार्डिंग योर प्रोफाइल करूगी। अज का जो टॉपिक सीगा, जो मेन मुद्दा है शोध बनाने का, वह हैगा AIP नूं आ रहे रिफ्यूजल्स और उस तो बाद क्रिएट हो रही कन्फ्यूजनस। सो बहुत सारे बच्चे असी देख रहे हैं साडे यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर कॉमेंट्स कर रहे हैं, कॉल्स करके भी पूछ रहे हैं कि अगर साडा AIP रिफ्यूज्ड हुंदा है तां सानू की करना चाहिए, कि सानू दोबारा रीअप्लाई करना चाहिए या सानू वेट करना चाहिए या जनवरी इनटेक का सोचना चाहिए या उस तो अगे की प्लैनिंग करनी चाहिए है। सो सब तो पहला मैं इतने दस दिना कि AIP तुहानू किहड़े बेसिस ते आ रहा, पहला वो चीज़ क्लीयर होनी जरूरी है। सो AIP जेड़े बेसिस ते इशू हो रहा वो एलिजिबिलिटी प्रोफाइल चैक हो रहा, वो इमीग्रेशन डाउट्स नहीं चैक हो रहे, उस मेडिकल्स किसी का जो सबमिटेड आते चैक हो रहा, अदरवाइज वो नहीं चैक हो रहे, बायोमैट्रिक्स नहीं सबमिटेड तो वो बेस पर कोई डिसीजन नहीं हो रहा, बट तुहाडे प्रोफाइल और पढ़ाई को लैके पूरी कंप्लीट असैसमेंट होंगी और उस तो बाद AIP आता है। सो डेफिनेटली अगर किसी बच्चे का भी किसी भी कारण AIP रिफ्यूज्ड है, उन्हें अपना पहला तो प्रोफाइल रीचैक करने की लोड़ है कि मेरा AIP रिफ्यूज्ड क्यों है और रीज़न उन्होंने पढ़ने की लोड़ है। ज़्यादातर एक रीज़न जो आप देखते हैं कि यू वॉन्ट लीव कैनेडा एट एंड ऑफ योर स्टडीज़, ये उत्ते IRCC का कहना सीगा कि ज़्यादातर बच्चे जो अपना भविख और परिवार का सनारियो SOPs दे विच अच्छे तरीके ना एक्सप्लेन नहीं करते, उदों ही उन्हां नूं रिफ्यूजल मिलता है। मतलब तुहाडा अपनी कंट्री दे नाल जिहड़ा जोड़ है, जिहड़ा रिलेशन है, उन्हूं स्ट्रोंगली प्रूव करना बहुत जरूरी है। सो अपने प्रोफाइल्स नूं रीसबमिट करो अगर यह रीज़न है और अच्छा स्टेटमेंट ऑफ परपस अपना एक्सप्लेन करो। प्लस अगर तुहानूं लगता है तुसी कोर्स गलत ऑप्ट कर लिया सी या स्टडीज़ गलत ऑप्ट कर लिया, दैन रिफ्यूजल दे अकॉर्डिंगली अपने कोर्स और स्टडी नूं चेंज करो एंड दैन रीअप्लाई करो। डेफिनेटली AIP रिफ्यूज्ड बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ने लिए रेडी है और उन्होंने किसी तरह नाल भी परेशान होने की लोड़ नहीं है, उन्होंने इमीडिएटली अपन फाइलों दोबारा प्रोसीड करना चाहिए। 15 अप्रैल तक तुम अपन फाइलों जमा करा सकते हो और उस तो बाद हजे रिजल्ट जोड़े है AIP के फॉल इनटेक के तकरीबन अक्टूबर महीने तक आते रहेंगे। सो कोई होर जानकारी तुम लैना चाहते हो, अपलाई करना चाहते हो, तब तुम ब्रॉडवे में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अज के लिए इन्ना, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल दोस्तों, ज़्यादा समा तुहाडा मैं स्टार्टिंग च नहीं लूँगा, सिर्फ एक मिनट का वीडियो रहेगा, 30 सैकेंड दियाँ दो इंपॉर्टेंट गल्ला दसनिया चाहूँगा। सब तो पहला, वध रही कोविड की सिचुएशन दे विच कोशिश करो कि वध तो वध जिहड़ियां सर्विसिज़ ने उन्हां नूं ऑनलाइन यूटिलाइज करो परसनल लाइफ दे विच। सो ब्रॉडवे वीज़ा अपलाई करन वालियां लई भी ऑनलाइन सर्विसिज़ असिस्ट कर रही है। तुसीं साडी वैबसाइट ते जाओ broadwaystudy.com, बुक योर काउंसलिंग दा फॉर्म भरो और 24 घंटे दे विच साडी टीम तुहानूं वीडियो कॉल ते कनैक्ट होएगी। तुसी अपना पूरा प्रोफाइल डिस्कस करके घर बैठे अपने केस नूं इनरोल्ड करके चला सकोगे और ब्रॉडवे तुहानूं वीज़ा तक की सारी सर्विस ऑनलाइन घर बैठे देगी। इस तो इलावा जिहड़े बच्चे आलस PTE ड्यूलिंगो दियां कोचिंग लेना चाहुंदे उन्हां लई असीं स्पैशल क्लासेस स्टार्ट कीतियां ने, जिहदे विच एक टीचर, 3 स्टूडेंट और 1 घंटे की डेडिकेटेड क्लास होएगी। उहदे नाल अराउंड 12 to 13 घंटे तुहानूं एक वट्सअप नंबर दिता जाएगा, आवर्स उहदे दसे जाणगे जिहदे विच तुसीं अपने कोई भी क्वेश्चन डाउट्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जिहड़ी तुसीं घरे करदे हो वो पुछ सको। टीम नाल कनैक्ट करो, अज दे इंपोर्टेंट शो वल चलदे आं। सत श्री अकाल। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।